हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त महाराष्ट्र में आग लगी हुई है। बीजेपी मंदिर मंदिर जाकर प्रदर्शन कर रही है कि भाई आप मधुशाला खोल देते हैं, आप पब खोल देते हैं, मॉल खोल देते हैं, बसें चालू कर देते हैं, लोकल ट्रेन चालू कर देते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन की और आरती की इजाजत नहीं देते हैं। कमलेश राय साहब हमारे साथ है, महेश तपासे साहब हमारे साथ है। महेश जी, क्यों राज्यपाल को आना पड़ा? क्या सरकार काम नहीं कर रही है? राज्यपाल की चिट्ठी ये बताती है कि आपने वादे बड़े बड़े किए हैं, आप दुनिया भर की तमाम चीजें खोल देते हैं लेकिन मंदिरों को बंद रखते हैं, क्या वजह है? आप वही लोग हैं जो अयोध्या जाते हैं, आप वही लोग हैं जो विट्ठल रुक्मणी मंदिर जाते हैं, आप वही लोग हैं जो आषाढ़ी एकादशी की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन बाकियों को मंदिर जाने से रोकते हैं। महेश तपासे उनका रुख करेंगे। कमलेश राय जवाब दीजिए, ये कोई और नहीं, ये राज्यपाल कह रहे हैं। ये सच है कि हम लोग हिंदुत्व को मानते हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, लेकिन मंदिर खोलने के नाम पे राजनीति नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब बनाए हुए संविधान के आधार पे काम कर रहे हैं और जब समय आएगा, उचित समय आएगा, जब उनको लगेगा कि यहाँ के लोग 100% सेफ हैं, तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जल्द। अरे भाई ये बताइए वो उचित समय कब आएगा? राज्यपाल महोदय को कोरोना भाई साहब आपको आकर बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। भैया जी मैं जा रहा हूँ और अब आप मंदिर मस्जिद खोल दीजिए। कौन आके नहीं, कोरोना का वायरस खुद आके मीटिंग करेगा तब आपको लगेगा। खुद ही नहीं जा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अभी खाली खाली जो लोकप्रियता अच्छा काम करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को जलन हो रही है, इसलिए बोलते जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जलन हो रही है आपको, जलन हो रही है आपको, डफली बजा रहे हैं आप वो समझ लीजिए जी। देखिए रूबिका जी, रूबिका जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एक श्रेष्ठ कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाए लेकिन उन्होंने कार्टून पैदा भी किया, ये पहली बार ज्ञात हुआ। ऐसा कार्टून उन्होंने पैदा किया है उद्धव ठाकरे के रूप में, जो कार्टून उसको लगता है कि मदिरालय जाने से जो है कोरोना रुक जाएगा और देवालय जाने से कोरोना बढ़ जाएगा, ये कोई कार्टून ही हो सकता है। और उससे बड़े कार्टून कमलेश राय हैं जो कह रहे हैं कि पब में रोजगार बढ़ता है और मंदिर से रोजगार घट जाता है। ऐसे कार्टून जो है पैदा कर दिए गए हैं, इन कार्टून को क्या कहा जाए? आपने जैसे कहा मीम बनाना चाहिए, तो ये मीम ही बनाने लायक है। ये इनकी ऐसी दशा है कि मैं आदरणीय कमलेश राय जी से अत्यंत विनम्रतापूर्वक, बहुत अच्छी बहस करने आए हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कमलेश जी की शैक्षणिक योग्यता क्या है? इतने विद्वान प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से आए हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता जरा पूछ लीजिए रूबिका जी, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? कमलेश जी आवाज आ रही है ना आपको प्रेम शुक्ला की? ऐसा है कि उसी कार्टून की पैदाइश ये भी हैं, प्रेम शुक्ला भी उसी कार्टूनिस्ट के पैदाइश हैं, ये भी वहीं से आए हैं। मैं आपकी शैक्षणिक योग्यता जानना चाहता हूँ, वहीं ये भी पैदा हुए हैं और इनकी कार्टूनिस्ट से हमारी बहुत आदर है। उन्होंने कार्टून बनाए, कार्टून पैदा समझ रहे हैं, दूसरे आदमी को दुख समझ रहे हैं, इनसे कम पैदा हो गया। भैया मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसे बड़े विद्वान दिखाता है तो शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दीजिए। कमलेश जी जरा शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दे आप अपनी, आप अपनी करिए, आप अत्यंत विद्वान व्यक्ति, आप अपनी करिए, शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दे। नहीं नहीं मुझे मत समझिए, मेरी तो सबको पता है कि मैं पत्रकार रहा हूँ, कम से कम स्नातक रहूंगा, लेकिन आप अपनी शैक्षणिक योग्यता कर रहे हैं, जिस पत्र में आपकी शैक्षणिक योग्यता पता लग जाए वही की आप कितनी जानकारियों से समृद्ध है, आप इस तरह आप कितने ज्ञान ज्ञानवर्धन किया हुआ है के बारे में, जरा अपनी शैक्षणिक योग्यता बताने का चलना सिखाया, शर्म लग रही है सामने में आप रहे, शैक्षणिक योग्यता बताने में शर्म लग रही है, आपका पहचान हुआ उसी के लिए लग रही है, बीजेपी ने आपको शर्म लग रही है आपको बताने में। मेरी तो सब जानते हैं योग्यता कि बाड़ा साहब ने मुझे संपादक बनाया था, साहब बाड़ा साहब ने मुझे कार्यकारी संपादक बनाया था, तो मेरी शैक्षणिक योग्यता का जो है प्रमाण पत्र भी जमा हुआ था। मैं आपकी जानना चाहता हूँ जनाब कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताएं ताकि रूबिका जी जान सके कितने विद्वत पुरुष से उनका साक्षात्कार हुआ है। आज ऐसे जबरदस्त विद्वत पुरुष से आदरणीय रूबिका जी का साक्षात्कार हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जरा बता दें आप क्या हुआ कमलेश जी।
अरे आप अपनी योग्यता खुद ही खत्म कर लिए हैं, दूसरे को क्या बताएंगे? आप भी तो वहीं से गए हैं। अरे लीजिए, मेरी योग्यता तो मैं कह रहा हूं साहब, योग्य व्यक्ति तो आप है, शैक्षणिक योग्यता बनाने बताने में संकोच क्या है? अच्छा संकोच है तो कोई बात नहीं कमलेश जी, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं बतानी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बतानी है, तो यहाँ पे हम वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। आप इतना तो बता देंगे ना कि मंदिर के ताले कब खुल रहे हैं? दोनों में से चूज कीजिए, या तो मंदिर के ताला खोलने का जवाब दीजिए या फिर अपने शैक्षणिक क्वालिफिकेशन का जवाब दीजिए। चूज कीजिए ऑप्शन ए और बी में से।